हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी किचन सिंपली मीनल में। तो दोस्तों, आज हमारी किचन में बनने वाला है, ये देखिए, हरी मटर दिख रही है ना, तो हरी मटर के पराठे। और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब माउथ वाटरिंग, मतलब कहना चाहिए ना कि आजकल सर्दियों का टाइम है तो मटर तो होती ही है, तो मटर की कचौड़ी, मटर के पराठे, वाह 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 वाह। तो हम बनाने जा रहे हैं मटर के पराठे, और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना। मार्केट वाले मटर के पराठे में और घर वाले मटर के पराठों में ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस भी क्या है, क्या क्या मसाले पड़ते हैं, तो अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। तैयारी मेरी सारी हो गई है, और आप देखिए मैंने कढ़ाई भी रख ली है गैस पर। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। इसमें हमें डालने हैं कुछ बेसिक से मसाले, बस मसालों का ही खेल है, तो आप मसालों का ध्यान रखिएगा। आधी चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है, आधी चम्मच मैंने सौंफ डाल रही हूँ, और थोड़ी सी डालूंगी मैं हींग, एक चुटकी के लगभग। ये 2 कटोरी के आसपास मेरी मटर है, तो अच्छे से धो लिए मैंने, ये मैं डाल देती हूँ। ठीक है, और अब हमें इसमें डालनी है हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अगर आप इसको स्पाइसी खाना पसंद है तो मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन भी डालूंगी, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालूंगी। खाने का नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है, जो कि मैं शूट करना भूल गई थी, आप डाल जरूर दीजिएगा अपनी रेसिपी में। थोड़ा सा काला नमक डालूंगी, और इन्हें हमें भूनना है मटर को क्योंकि गलने तक, और पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें आपको। तो ये देखिए चलाकर मैं इसे ना थोड़ी देर ढक करके रख दूंगी इसे, तो देख लेते हैं हमारी मटर गली है कि नहीं गली। अगर आपकी मटर थोड़ी कड़ी होती है ना, पुरानी हो जाती है, तो उसमें आप चाहे तो 2-4 चम्मच पानी डाल सकते हो। तो ये हमारी मटर गल गई है, गल गई है क्योंकि थोड़ी हमें कड़ी कड़ी ही रखनी है। ये देखिए हमारी मटर अच्छे से गल गई है। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा खटाई, आधी चम्मच के आसपास, और आधी चम्मच के आसपास मैं इसमें डालूंगी चीनी। ठीक है, और बस इसे चला लेंगे हम। फिर से मैंने ढक्कन को ढक दिया था, अब मैं हटा देती हूँ ताकि हमारी चीनी गल जाए। और अब हमें इसमें डालने हैं थोड़े से प्याज। ठीक है, ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज ले लिए थे, और ये मैं डाल दे रही हूँ बारीक चॉप करके। ठीक है, थोड़ा सा हरा धनिया, ये मैंने चॉप कर लिया था, और इसमें भी हमें डालना है, यहाँ पर मैं 1 चम्मच के लगभग बेसन डालूंगी। ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, और चला लेंगे अच्छे से हम। अब आप चाहे तो इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, बहुत सारे लोग हल्दी भी डालते हैं इस मसाले में, तो आप डाल सकते हैं। बस 2 मिनट हमें भूनना है, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी मटर हो गई हैं, और ये हल्की ठंडी हो गई हैं। तो अभी मैं इसे एक थाली में निकाल लेती हूँ, हमें थाली में या परात में ही निकालना है इसे। देख रहे हैं ना, अभी एक एक दाना अलग अलग है, तो इसे भी हमें मिक्सी में नहीं पीसना है। तो इसे अब हम लेना है, ये इस तरीके का होता है ना पाव भाजी मैशर टाइप, और अगर आपके पास पाव भाजी नहीं है तो आप कटोरी ले लीजिएगा, और उसे हल्के हल्के ऐसे करके दबा लीजिएगा मटर को। ठीक है, मटर हमें क्रश करनी है, पीसनी नहीं है। आप इसमें चाहें तो प्याज थोड़ी कच्ची भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने तो इसमें ही डाली थी, तो थोड़ी सी ये गल जाती है, तो मुझे इसका टेक्सचर तब अच्छा लगता है। आप थोड़ा को जैसे किसी लोग को कच्ची प्याज पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से क्रश हो गया है, ये पीसी नहीं है हमारी मटर, क्रश्ड है। ठीक है, इसी तरीके से आपको कर लेना है, नहीं तो पीस जाती है ना, तो थोड़ा टेस्ट का थोड़ा सा पता नहीं चलती कि क्या है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी मटर गल गई है, मसाला तैयार हो गया है, और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। इसे भी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और हम तैयारी कर लेते हैं अपने आटे की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कटोरी आटा, और इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। नमक ऑप्शनल है, बहुत सारे लोग नमक नहीं खाना पसंद करते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे, और यहाँ पर मैं डालूंगी बस 1 से 2 चम्मच हमें डालना है रिफाइंड ऑयल। ठीक है, अच्छे से मिला लेंगे, आप चाहे तो इसमें अजवाइन भी डाल सकते हो। तो अच्छे से मिल गया है सब, तो अब इसमें हम
गूथेंगे, ठीक है। और जैसे रोटी का आटा मारते हैं ना नॉर्मल, बिल्कुल वैसे ही आपको आटा मारना है। देखिए डो हमारा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और देखिए इसकी पहचान क्या होती है अच्छे डो की, जैसे मैंने गड्ढा किया ना तो ये अपने आप थोड़ा थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये देख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हमारा परफेक्ट डो बना है, बहुत सही डो हो गया है। अब हम बना लेते हैं पराठे अपने। गैस पे मैंने रख लिया है तवा, और अब आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, देसी घी में भी बना सकते हैं, और या फिर आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रखी है एक चकला, बेलन, और ले लेंगे हम थोड़ा सा आटा। जितने साइज का हमें पराठा बनाना ना उस हिसाब से हमें पेड़ा ले लेना है। देखिए मैं तो नॉर्मल साइज का बना रही हूँ, ठीक है, ये ले लेना है। और इसे अभी हमें हल्का हल्का, चाहे तो आप ऐसे ऐसे करके भी बेल सकते हैं, या फिर बहुत इजी जल्दी जल्दी है तो आप इसको हल्का सा बेल लीजिए बेलन से, ठीक। ये देखिए को बेल करके फिर इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल, हल्का सा लगाएंगे हम ऑयल, ठीक है। ये आप चाहे तो हाथ पे ऐसे रख लीजिए। और इधर से लेंगे हम थोड़ी सी मटर, जो स्टफिंग हमने तैयार की है ना, अच्छे से ले लीजिएगा आप, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा लो, अच्छे से, ठीक है। और देखिए बिल्कुल मटर हमारी घुली नहीं है, पिसी नहीं है, ये देखिए पूरी अच्छे से हमारी दबी हुई है मटर, तो मैंने काफी अच्छे से भर लिए हैं, ये देखिए। और इसको लेकर के हम चाहे तो ऐसे बंद कर देंगे, और टाइटली आपको बंद करना है, और इस तरीके से हम गोला कर लेंगे और ऐसे दबा देंगे। और ये पीछे से आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं फटना है, ठीक है। इसको लेकर के हम अभी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, तो दो चार हम बना के रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी चार लोइयां बनकर के तैयार हो गई हैं। तो जो हमने फर्स्ट वाली बनाई थी ना, पहले हम उसे उठा लेते हैं और उसे हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। अब आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, मुझे जैसा कंफर्टेबल लगता है मैं वैसा बना लेती हूँ। इस तरीके से भी बना सकते हैं सब लोग, क्योंकि अलग अलग हो रहती है। और कुछ नहीं तो आप चकले पे हल्के हल्के हाथों से बेलन से भी बेल सकते हैं। और मैं डाल देती हूँ यहाँ पर गैस तवे पर, जब तक हमारा ये सिक रहा है, मीडियम आंच है, तब तक हम एक और बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हल्का जब सिक जाए ना आपको पराठा, तब आपको पलट लेना है। तो अभी आप देखिए कैसा हो गया ना, हल्का हल्का गोल्डन, इस स्टेज पर हमें पलट लेना है, मतलब एक मिनट बाद जब आपको अंदाजा हो जाएगा थोड़ा सा। मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है, देख लेंगे आप हल्का सा अगर आपका सिक जाए पीछे भी, तो हम इसे पलट लेंगे, ठीक है। इसके बाद भी फिर हम ऑयल डाल लेंगे। मैं बहुत कम ऑयल में बनाना का ट्राई करती हूँ पराठे। तो ये देखिए हमारा पराठा कितना यम्मी दिख रहा है ना, और हल्का हल्का फूल दे रहा है। ये देखिए आँच हमारी जो गैस थी वो मीडियम ही है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पराठे बन करके तैयार हो गए हैं, और ये देखिए इतना फूला ही हमारा पराठा, थोड़ा सा क्रैक आ गया, ठीक है, क्रिस्पी भी बहुत बने हैं। और ये देखिए, और ये मैंने बथुए के रायते के साथ सर्व किया, ठीक है। ये बथुए के रायता है, हरी चटनी है और लहसुन वाली चटनी है ये, और हमारे पराठे गर्मा गर्म तैयार हैं। तो प्लेट लग चुकी है, अब हमारा रिव्यू का टाइम है, तो हम दे देते हैं रुद्रांश को अपने पराठे। रुद्रांश बताइए, ये मटर के पराठे हैं। मटर के भी पराठे होते हैं? हाँ होते हैं, तुम बताओ कैसा बना है? बड़ा ठीक है और क्रिस्पी भी है। क्रिस्पी लग रहा है तो समोसे जैसा लग रहा है। समोसे जैसा ना, मटर का समोसा जैसा खाता है। समोसा और मोमोज का मिक्सचर। मोमोज कहाँ से आ गया? रायते के साथ खाओ बथुए वाला। बथुए का रायता तो तुम्हें पसंद है ना? बहुत अच्छा। क्या बहुत अच्छा है? क्या हरी वाली चटनी। अरे वाह, ये देखिए रुद्रांश का तो मजा आ रहा है। रायते के साथ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? और तुम्हें पता है तुमने चुकंदर का भी पराठा खाया है? तुम्हें पता ही नहीं चलता, जब तुम छोटे थे ना तो तुम सब्जियां तो खाते नहीं थे, तो कभी लौकी का पराठा, कभी करेले के छिलके का पराठा, तुम्हें पता भी नहीं चलता। अरे क्या अच्छा लग रहा है ना ये। वैसे रुद्रांश को मटर कम पसंद है ना रुद्रांश, लेकिन अच्छा लग रहा है ना। मैं भी डाल देती हूं, पता नहीं। पास्ता नहीं, वो तो मैक्रोनी होती है। मैक्रोनी तो इंडियन वर्जन होता है, तो कैसे भी खा सकते हैं। ये अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? डिफरेंट है ना ये। तो चलिए दोस्तों आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। रुद्रांश तो खाए जा रहा है, इसका एक पराठा खत्म भी हो गया। बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाला है, बहुत ही क्रिस्पी है और अच्छे से फिलिंग भी भरी हुई है। दिखाओ दिखाना रुद्रांश, अंदर की जरा फिलिंग दिखाओ। ये देखिए दूसरा दिखाओ। हाँ दूसरा दिखाओ, ये वाला। ये देखिए कितनी अच्छी फिलिंग भरी हुई है, ये देखिए। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और
इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम इसी अच्छी इस वीडियो के साथ मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।